हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए आज एकदम डिफरेंट रेसिपी बनाते हैं। और आप एकदम रोज़ रोज़ हरी सब्जी खाकर बोर हो गए हो तो एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चने की दाल होती है ना, उसी सब्ज़ी बनाई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने ओवरनाइट चने की दाल को सोक कर दिया था। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम होना, एक दिन पहले अगर आप सोच रहे हो बनाने के लिए, तो इसे ओवरनाइट सोक कर दें, या फिर आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो गर्म पानी में एक घंटा पहले ही सोक कर दें। तो यहाँ पे हमने लहसुन ले लिया है, कुछ खड़े गर्म मसाला, और हम जैसे स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से हमने मिर्च लिया है। कुछ हमने हरी मिर्च ली है और लाल मिर्च ले लिया है, जैसे हम स्पाइसी खाते वैसे लिया। और हमने 4 मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिया है, इसे भी अच्छे तरीके से पानी से छान लिया है चने की दाल को। और हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का टमाटर लिया है। अभी हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। फिर इसमें हम तेज के पत्ते डालेंगे, फिर दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। फिर हमने जो मिर्च लिया ना फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का हरी वाली मिर्च लिया और 3 ही हमने लाल मिर्च लिया है। आप यहाँ पे कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर कभी वो रेड चिल्ली पाउडर खाते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। हम जैसे खाते हैं उस हिसाब से मैंने ले लिया यहाँ पे। जब हमारा मिर्च थोड़ा सा जब रेड हो जाएगा ना, पक जाएगा, उसके बाद हमने जो मीडियम से अच्छे प्याज को कट करके रखा है इसे डाल देंगे। देखिए ऐसा हमने फ्रेंड्स प्याज को मस्त हम बहुत ही अच्छे पतले पतले स्लाइसेस में कट किया है, जिससे कि बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। देखिए अभी थोड़ा सा हमारा प्याज अभी रेड हुआ है, इसे अब थोड़ा सा और रेड करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हमने जो टमाटर को कट करके रखा ना, इसे डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कई लोग टमाटर की प्यूरी डालते हैं, बट मैं यहाँ पे टमाटर कट करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो प्यूरी भी डाल सकते हैं, दोनों में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब हमने जो चने की दाल को रखा है ना, इसे डाल देंगे। देखिए, और प्याज टमाटर के साथ अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक इसे भुनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ना डेली डेली ग्रीन वाली सब्जी, हरी सब्जी खाकर बोर हो गए हो तो एक बार ये चटपटी स्पाइसी सी चने की दाल की सब्जी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए अब इसे अच्छे तरीके से हम ऐसे मिक्स कर देंगे।
अब इसमें हम इसी स्टेज पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, जैसे नमक खाते हो उस हिसाब से नमक डाल देंगे। यहाँ पे हमने तो मतलब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नमक डाला है, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी में थोड़ी ज़्यादा ही नमक पड़ती है, क्योंकि चने के दाल में तो सब्जी मतलब ज़्यादा ही नमक डाला जाता है। देखिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमने थोड़ा सा अदरक को कूट, अदरक नहीं लहसुन को कूट लिया था, इसे डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं अगर आप अदरक खाते हो तो, बट ये वाली सब्जी में थोड़ा सा मतलब कसैलेपन का फ्लेवर आ जाता है अदरक का, उसलिए मैंने अदरक नहीं डाला है। अब बस थोड़ा सा डाल सकते हो अगर आप पूरी एकदम स्किप नहीं कर सकते हो तो, बट आप मेरे प्रोसेस से मैं जैसे बनाती हूँ वैसे बनाओगे तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। इतना ज़्यादा टेस्टी लगती है चने की दाल की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम लहसुन को डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब इसमें हम भुना हुआ धनिया जीरा गोल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। देखिए पहले हमने जीरा पाउडर डाला है, उसी में हमने गोल मिर्च को भी पीस लिया था, अब धनिया पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर डालेंगे। और फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे मसाले बताए ना, मतलब पहले धनिया जीरा गोल मिर्च डालना है उसके बाद ही हल्दी डालना है, जैसे मैंने जैसे स्टेप बताया वो सबको आप फॉलो करिएगा तो ही आपका सब्जी जैसे मैंने बनाया जितना टेस्टी हुआ था तभी वैसे ही होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब हम थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मसालों को भूनेंगे।
फ्रेंड्स हमें मसालों को भूनते भूनते 5 से 7 मिनट हो गया है। देखिए जैसे कि आप इसके मतलब लुक से देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा लौंग और इलायची को डाल दिया है। देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ना हमारा सब्जी। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे प्रोसेस बताया ना सबको फॉलो करना। अब इसे हम कुकर में डाल के 3 से 4 4 से 5 विजल आने तक अच्छे से पका लेंगे। 5 से 4 से 5 ही विजल आने तक पकाना है जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे, 1 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप ग्रीन सब्जी खा कर एकदम पक गए हो ना, या फिर या कुछ अलग सा खाना चाहते हो तो एक बार ज़रूर से वाली रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए हमने यहाँ पे 4 4 विजल आने तक इसे उतार लिया है। तो मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा सा कच्चा है ये, फिर मैंने इसे फिर 4 और विजल आने तक अच्छे से पका लिया। तो यानी कि टोटल हमें यहाँ पे 8 से 10 विजल आने तक इसे पकाना है जिससे कि ये हमारा सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स हमारी ये चने की दाल की सब्जी बेहद टेस्टी बनी थी। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड।